स्कूल के पास जमा गंदगी को लेकर स्कूल के मैनेजर ने नगर आयुक्त को एक प्रार्थना पत्र भेजते हुए क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की गुहार लगाई है। जहां एक तरफ स्वच्छता अभियान को लेकर सजगता है, तो वहीं एमआर चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के पास जमा गंदगी को लेकर स्कूल के मैनेजर ने नगर आयुक्त को एक प्रार्थना पत्र भेजते हुए क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। स्कूल में मैनेजर का कहना है कि उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद से भी इस समस्या को लेकर शिकायत की, मगर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मीडिया से रूबरू होते हुए एमआर चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के मैनेजर जमालुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि हमारी संस्था यहां पर एक स्कूल चलाती है जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी गंदगी की है। ये वार्ड 47 मोहल्ला कानून गोयान है, लेकिन यहां पर सफाई व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय को एक प्रार्थना पत्र भी भेजा गया था, जिसमें मांग की गई थी कि नाले की पटरी पर कूड़ा पड़ा हुआ है, जमा रहता है, इसकी सफाई हो, मगर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। साथ ही यहां पर कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारी भी 15 से 20 दिन में आते हैं, रोजाना सफाई का कोई माहौल यहाँ पर नहीं है। एक मांग हमने प्रार्थना पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त से भी की थी कि नाले की दीवार को ऊंचा कर दिया जाए ताकि लोग नाले में कूड़ा ना डालें, और साथ ही साथ यहाँ पर कूड़े के बॉक्स रख दिए जाएं। सबसे ज्यादा परेशानी गंदगी की है। सफाई कर्मी कौन सा वार्ड लगता है ये? आपका 47 वार्ड लगता है और हमारे यहाँ के पार्षद योगेंद्र कुमार रस्तोगी जी हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने पार्षद से शिकायत करी थी? हाँ, इससे पहले मैंने नगर आयुक्त को भी एक लेटर लिखा था अभी 26 मई को, और इसमें मांग की थी कि नाले की भी सफाई हो, नाले की पटरी पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है ये भी जमा हुआ रहता है यहाँ पर, इसकी सफाई हो, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। साथ में यहाँ कूड़ा उठाने वाले जो हैं कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर आते हैं, रोज़ाना सफाई का कोई मामूल यहाँ पर नहीं। और एक डिमांड हमने ये भी की थी, उसके अंदर सजेशन भी ज़्यादा हमने नगर आयुक्त महोदय को कि इसकी दीवार ऊंची करा दी जाए ताकि जो है लोग नाले में कूड़ा ना डालें, और यहाँ पर कुछ बॉक्स रख दिए हैं कूड़े के, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बच्चों का स्कूल है, बीमारियों का खतरा बना रहता है और बेहद गंदगी फैली हुई है, मगर ऐसा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। बच्चों का स्कूल है, बीमारियों का खतरा बना रहता है और यहाँ पर बेहद गंदगी फैली हुई है।